गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेसन 3 इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2013 में आज हम पेज नंबर 40 पे पढ़ेंगे एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट किया जाता है, एडिट का मतलब होता है कि आप क्या क्या चेंजेस उसमें करते हैं। चेंजिंग डॉक्यूमेंट, यू कैन मेक चेंजेस इन अ फाइल विच यू हैव सेव्ड अर्लियर। आप जो भी कोई फाइल होगी जो पहले आपने सेव करके रखी है उसको आप जो चेंज करते हैं उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। यू कैन चेंज द कलर एंड साइज ऑफ द टेक्स्ट दैट यू हैव टाइप। जो आपने पहले टाइप किया हुआ है उसके साइज और टेक्स्ट उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन मेक चेंजेस इन द इंटायर टेक्स्ट और इन सम पार्ट ऑफ इट यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। आप उस फाइल के थोड़े से पार्ट को या पूरे पार्ट्स को आप फॉन्ट ग्रुप होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू डू इट, देखते हैं कैसे करते हैं। पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फॉन्ट ग्रुप है जिसमें कि ये फॉन्ट बॉक्स है, ये फॉन्ट साइज है जहाँ पे आप साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ये ए करके यहाँ पे फॉन्ट कलर है जहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके, वन ओपन द फाइल कंप्यूटर विच यू हैव सेव्ड अर्लियर। जो आपका कंप्यूटर फाइल है उसको ओपन करेंगे जो आपने पहले से सेव करके रखी हुई है। सेकंड, सेलेक्ट द हेडिंग, उसके बाद आप हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे। टू डू दिस प्लेस द कर्सर टू लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज यू। आप यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग वर्ड आपका यू है तो आप इसके लेफ्ट साइड में कर्सर को लेके जाएंगे। नाउ प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट टू द एंड ऑफ द हेडिंग, और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करते हुए इसकी लास्ट वर्ड तक हेडिंग के लेके आएंगे। ओके, रिलीज द बटन, उसके बाद आप बटन को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। यू कैन सी द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज हाईलाइटेड इन ग्रे। अब देखेंगे कि जो हमने सेलेक्ट किया था टेक्स्ट वो हाईलाइट हो जाएगा ग्रे कलर में। थ्री, क्लिक ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट बॉक्स। उसके बाद आप होम जो आपका है वहाँ पर आएंगे। ये होम टैब है आपका, ये यहाँ पर आएंगे। उसके बाद इन द फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप पे आएंगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट, उसके बाद एक ड्रॉप डाउन एरो बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा जो नीचे की तरफ होता है। क्या लिखा है, सेलेक्ट एनी फॉन्ट, वी आर सेलेक्टिंग टाइम्स न्यू रोमन। आप इसमें से जो आपका ड्रॉप डाउन ये एरो बॉक्स खुला हुआ है इसमें से आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, हमने सेलेक्ट किया है टाइम्स न्यू रोमन। ओके, सिमिलरली क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट साइज बॉक्स, सेलेक्ट अ साइज, वी हैव टेकन 18। उसके बाद हम फॉन्ट साइज पे आते हैं, फॉन्ट साइज पे हम क्लिक करते हैं, और फॉन्ट साइज पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी साइजेज आपको दिखती हैं। यहाँ पे हमने 18 को सेलेक्ट किया है। ओके, सिक्स, नाउ क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर, सेलेक्ट अ कलर, वी हैव चूजन रेड। इसके बाद हम फॉन्ट कलर पे आते हैं जो कि ए से डिनोट होता है और नीचे यहाँ पे रेड लाइन आपकी है, इसको फॉन्ट कलर कहते हैं। इसमें आपके फॉन्ट कलर आपके यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, हमने क्या लिया है, रेड कलर यूज़ किया है। ओके, सेवन, सिमिलरली चेंज द कलर फॉन्ट एंड साइज ऑफ द रिमेनिंग टेक्स्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमने चेंजेस अभी किए हैं उस वो आपके इस टेक्स्ट में चेंज हो जाता है। कलर आपका 18 हो गया फॉन्ट का साइज, कलर हो गया आपका रेड, और ये हो गया टाइम्स न्यू रोमन इसकी फॉन्ट की, टाइम्स न्यू रोमन आपका ये फॉन्ट हो गया। ओके, ये चेंजेस हमने इसमें किए। सेव योर फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द सेव आइकन
फ्लॉपी इन द क्विक एसेस टूल बार। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं क्विक एसेस टूल बार में। क्विक एसेस टूल बार है, इसमें सेव बटन है, तो इसमें हम सेव कर देते हैं। ओके, इस तरीके से हमने डॉक्यूमेंट में चेंजेस किया, जिसे बोलते हैं एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किया, हमने इसमें फॉन्ट की साइज़ को चेंज किया, फॉन्ट के कलर को चेंज किया और फॉन्ट स्टाइल को चेंज किया। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? थैंक यू।